পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানাৰ এটা প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত চলিছে। এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। ৰাজস্থানৰ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পকেটমাৰৰ কাহিনী কৈ এই পকেটমাৰ ৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ আৰু আদানীক তুলনা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। তিন আতে আগৰ জেব কতৰা অকেলা আয়েগা সামনে সে আয়েগা কেছে কাটেগা জেব सामने से आएगा कैसे काटेगा। तीन आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से देखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया। आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया पीछे से नंबर दो आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है तीसरा, कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटुआ ले लेता है भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं टीवी में, सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं, पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है, दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। तो ये हिंदुस्तान की सरकार ऐसे चल रही है। राजस्थान में एक जनसभा अंशग्रहण करिसिल आज प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जनसभा की कहिसिल सेया शुनाओ। यहां हमने पांच सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं, 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। सोच सकते हैं आप, मात्र 21 रोजगार। फिर हम अगर हम युवाओं को देखें, शिक्षा के लिए कितने काम किए हैं, शिक्षा के लिए राजस्थान की सरकार ने नए नए पाठशाला बनाए। मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ, अपनी सरकार वहां भी है, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में हर जिले में पाठशाला बनाई है। तो मैंने गहलोत जी से पूछा कि छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार ने हर जिले में बनाया है इंग्लिश मीडियम का स्कूल, आपने कितने बनवाए? हंसने लग गए, कहा अरे जिला क्या, हमने तो गांव गांव में बनवाए हैं। नई यूनिवर्सिटियां खोली हैं, नए कॉलेज हैं वो खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और वहां मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए, अपने मध्य प्रदेश के दोस्तों से पूछिए, वहां पर 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं। কালি জয়পুৰত এক প্ৰচণ্ড ৰেল ৰোড শ্বোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছিল এই ৰেলীত। আজি ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ মতে মোদীৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকল ৰাজস্থানৰ নাছিল, বাহিৰৰ পৰা এই লোকসকলক অনা হৈছিল বুলি আজি অশোক গেহলটে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। 9 কিলোমিটাৰ ৰোড শ্বোত গৌৰৱ লোক
कि सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुला करके और सिटी सिटी के अंदर जहाँ भीड़ वैसी रहती है वो कहा के रूट से था। ये घबराए हुए थे, खाली हमारे जो लोकल इश्यू हैं राज्य के उस पर चर्चा नहीं कर रहे लोग। इनमें अगर हिम्मत है तो जो जो सरकार ने चलाई 5 साल तक, एक के बाद एक कानून पास किए हम लोगों ने, हमने साथ में स्कीम लेके आए, गांडी लेके आए, जितने के नेता आ रहे हैं चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई भी हो, तमाम लोग भड़काने वाली बातें कर रहे हैं जो जनता पसंद नहीं कर रही हमको, मेरा मानना है। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।